Hey guys, welcome back to another video. और आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप पुलिया पे अपनी ऑल्टो 800 को कैसे चढ़ाएं और कैसे उतारें। तो वीडियो एंजॉय करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइज, जब भी आप गाड़ी चढ़ाए और आपको दिख रही है कि सामने जो है पुलिया है, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड जो है ऑटोमेटिकली पहले आप लोग तेज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे थर्ड गियर पे गाड़ी को जो है लोड कर दिया है और गाड़ी अब आप लोग देखते हैं हमारी स्पीड में चल रही है, 40 की स्पीड में फिलहाल गाड़ी चल रही है। और क्या कर लीजिए, जैसे जैसे आप पुलिया के आप जैसे नजदीक आते जाओ, अपनी गाड़ी की स्पीड आप जो है धीरे धीरे तेज करते जाओ, जिससे क्या होगा आपको गाड़ी जो है पुलिया पे चढ़ाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो फिलहाल मैंने गाड़ी को जो है पुलिया पे चढ़ा दिया, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपना गियर को फिर से चेंज कर दीजिए, गियर को आप डाल दीजिए फोर्थ गियर के अंदर और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक जो है आपको पुलिया पे चढ़ती जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नए लोग क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं गियर को जो है डाउन कर लेते हैं पुलिया आते ही और स्पीड को भी थोड़ा स्लो कर लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जो गाड़ी पुलिया पे चढ़ाते टाइम जो है रेस कम करते पीछे हो जाएगी, लेकिन क्या है वो डर के मारे जो है गाड़ी नहीं चला पाते नए लोग। तो ऐसे में क्या करना है, आपको गलती नहीं करनी है, आपको बस नॉर्मली जो है गाड़ी को पुलिया पे चढ़ाना है। और उसके बाद उतारते टाइम भी क्या करना है, आपको उतारते टाइम आपको गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी है। आपको क्या करना है, गाड़ी की स्पीड तेज नहीं करनी, जैसे आपकी पुलिया जो है नीचे डाउन की तरफ जा रही है आपको यहाँ पे जो है गाड़ी की स्पीड जो है बिल्कुल स्लो करते जाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की स्पीड आप लोग बिल्कुल स्लो होती है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और इस तरह के ऑल्टो की और भी राइड्स आपको देखनी है तो मैं आपके लिए लाता रहूंगा इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, व्लॉग्स। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी आप जरूर दबा लेना। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में।